मॉस्को अटैक पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। पुतिन ने बंदूकधारियों को कट्टरपंथी कहा, इस्लामवादी बताया गया है। अधिकारियों से बैठक में चरमपंथियों को आरोपी बताया गया। पुतिन ने यहाँ पर ISIS का जो नाम है उसको लेने से हालांकि परहेज किया है, लेकिन बड़ा बयान सामने आया मॉस्को अटैक्स पर राष्ट्रपति पुतिन का। पुतिन ने बंदूकधारियों को कट्टरपंथी कहा और साथ ही साथ यहाँ पर ISIS का नाम नहीं लिया है। नाम लेने से पुतिन ने परहेज किया है। मॉस्को में आतंकी हमले की जांच तेज हो गई है। रविवार को इस मामले में स्थानीय कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए 3 और संदिग्धों को जेल की सजा सुना दी है। इनमें से 2 आरोपी दिलोवर और अमिनचोन इस्लोमोव भाई हैं और तीसरा इजरायल इस्लोमोव इन दोनों का पिता है। तीनों आरोपी 22 मई तक प्री ट्रायल हिरासत में रहेंगे। माना जा रहा है कि हमले में इस्तेमाल की गई संदिग्ध कार दिलोवर इस्लोमोव की थी। रूसी अधिकारियों के मुताबिक कॉन्सर्ट हॉल हमले के मामले में 11 गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने मॉस्को हमले में अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस के पास एक कॉन्सर्ट हॉल पर हुए हमले के पीड़ितों के लिए 1 मिनट का मौन रखा। चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को मॉस्को में कुछ दिन पहले हुई घातक गोलीबारी के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की, जिसमें कम से कम 137 लोग मारे गए और 182 लोग घायल हो गए। Z News.